देखो इसमें सरासर सामने दिख रहा है ये जो प्रकरण सुबह 7:30 बजे समथिंग का है। यहाँ पर हॉस्पिटल में ड्यूटी डॉक्टर होने के बाद व्यवस्थित पूर्ण तरीके से उनका इलाज नहीं कर पाए, जबकि पेशेंट को सेंटर में ला के रख दिया था। उसके बाद इनको बोला गया कि आप पर्ची बना के लेके आइए। कम से कम आधे घंटे तक जो पेशेंट को लेके आए थे उनको परेशान किया। आप वहां से जब तक पर्ची बना के नहीं लाओगे तब तक आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि पर्ची बना के लेकर आने के बाद फिर क्या बोला इनको, लिखा गया पर्ची में कि आप तत्कालीन जाइए मेडिकल स्टोर से ये जो जहरीले सांप के लिए स्पेशली एक दवाई आती है वो लेके आइए। जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई ड्यूटी डॉक्टर इस तरीके से बोलता है, जब वहां से बेचारे गए यहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दौड़ते हुए वहां पर जाके मेडिसिन लाए, एक मेडिसिन थी 5,662 रुपये की समथिंग की, जबकि 11 चाहिए थी। अब गरीब व्यक्ति कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके आ रहा है, वहां से अगर 5,000 की एक मेडिसिन जबकि 11 की कितनी होगी लगभग, तो सुबह 7:30 बजे व्यक्ति कैसे अरेंजमेंट करेगा इन चीजों को लेकर। जब तक वो मेडिसिन लेकर आए तब उसके बाद आके उनकी डेथ हो गई थी बच्चे की। सरासर डॉक्टर की लापरवाही है। यहाँ समय पर आने के बाद भी अगर व्यवस्थित तरीके से यहाँ इलाज नहीं मिल पाना तो यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स है स्टाफ नर्सेस है इनको गवर्नमेंट जॉब नौकरी करने की कोई आवश्यकता आगे, नहीं। आगे क्या मांगे आप लोगों की? हम लोगों की ये मांग है, अभी सिविल सर्जन साहब से हमने मिला है, उन लोगों से बातचीत किया है, तो तत्काल उनके खिलाफ जो जो स्टाफ नर्स ड्यूटी पे थी, जो डॉक्टर से यहाँ पर ड्यूटी पे था, उनको तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनको निलंबित किया जाए सबसे पहले। हाँ, ये मेरे को अभी संज्ञान में आया है कि तो एक स्नेक बाइट हुआ था और किसी दूर गांव से लोग आए थे तो उनको आकर के भर्ती कर लिया था, और भर्ती करने में हमारे यहाँ स्नेक वीनम थे, उनको 10 स्नेक वीनम इंजेक्शन लगाए भी गए हैं और वो मेरे सामने प्रूफ भी है, बाइल भी है, सब है, परंतु बच्चे की डेथ हो गई। उसमें और जरूरत थी, रात का समय था, तो सिस्टर ने ये बोला हुआ कि स्टोर से मंगाने तक आप जल्दी से आप फटाक से एक दो इंजेक्शन ले आइए, तो एक इंजेक्शन लेने के लिए उन्होंने बोला हुआ, उस बात पर थोड़े से नाराज हुए। दूसरा क्या हुआ, वो डेथ हो गई बच्चे की, तो उनको ऐसा लग रहा है कि लापरवाही के कारण डेथ हुई है। मैंने उसको संज्ञान में लिया है और मैं संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर रहा हूँ, और उसमें निश्चित तौर पर अगर कोई दोषी पाया जाता तो 100% आधे घंटे तक घुमाते रहे यहाँ से वहां तक, नहीं मानते थे कि आपको नहीं घुमाया नहीं, बेसिकली ये हुआ कि उन्होंने उन्होंने बोला कि कोविड आईसीयू में ले जाइए, वहां पर हमारा बेल इक्विप्ड कोविड आईसीयू है, पेशेंट बहुत सीरियस हालत में आया था, इसको देखते हुए डॉक्टर्स ने उसको कोविड आईसीयू में रखा था, क्योंकि वहां बेड फुल थे और मेडिकल कॉलेज से ऐसा फोन आया था कि यहाँ पर कोई पेशेंट रेफर न करें, हमारे पास बेड नहीं है, इसलिए फिर हमने जो दूसरे कोविड जो आईसीयू हमारा उसमें रखा गया। ठीक, ये मृतिका आशू उर्फ आशा पिता जगदीश मेड़ा निवासी परनाला हाल मुकाम अर्जुन नगर की सांप काटने से मृत्यु की सूचना सिविल हॉस्पिटल रतलाम से प्राप्त हुई थी, उसकी जांच के लिए मैं आया हूँ। वो हॉस्पिटल से संबंधित कोई मसला है, वो उसके लिए बैठे थे और उनका बातचीत हो गई है अस्पताल प्रबंधन से और उनके द्वारा उसका सॉर्ट आउट कर लिया गया, डेड बॉडी को मेडिकल कॉलेज रतलाम पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया है, मर्ग कायम कर जांच में लिया गया, जांच जारी है। ये इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, वो अस्पताल प्रबंधन से उनकी बात हो चुकी है।